वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल मेज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोटा स्टोन्स। कोटा स्टोन्स जो इंटीरियर डिज़ाइन में काम आते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा कोटा स्टोन होता है वो नेचुरली अवेलेबल स्टोन होता है, एंड ये जाना जाता है इसकी शाइनिंग सरफेस की वजह से। और ये फाइन ग्रेन लाइमस्टोन से जनरेट होता है, जो कि कोटा और राजस्थान से मंगवाया जाता है। लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये चीपर होता है देन ग्रेनाइट मार्बल, और लो कॉस्ट होने के साथ साथ इसकी जो सरफेस होती है वो शाइनी सरफेस होती है। और हम इसको इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बड़े बड़े टावर्स होते हैं, 14 फ्लोर के जो टावर होते हैं उसके अंदर ये सस्ता पड़ता है, तो अच्छा भी क्वालिटी में भी अच्छा होता है, शाइनी सरफेस होता है। तो इसको अपने जो हमारा नीचे फर्श डलता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। एंड जो टावर होते हैं उसके अंदर पार्किंग भी बहुत बड़ी होती है, अपने मॉल के अंदर पार्किंग होती है, तो पार्किंग के अंदर भी ये यूज़ हो सकता है, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है तो उसकी कॉस्ट इकोनॉमिकल होनी चाहिए, उसके लिए कोटा पत्थर का यूज़ होता है। एंड गाइज, ये अलग अलग साइजेज एंड शेप में आता है, कोई भी साइज़ चाहिए हो आपको वैसे इसका साइज़ मिल जाता है, 2x2 का, 2x3 का, ऐसे अलग अलग साइजेज में मिल जाता है, 22x22 इंची का, हर साइज़ में इसको अवेलेबिलिटी होती है कोटा पत्थर की। अब इसकी एडवांटेज के बारे में बात करें तो हम, ये बहुत ही हार्ड होता है, नॉन पोरस होता है और मॉइस्चर बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता। तो आप इसको जो हमारी छत होती है उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं एज रेन कम्स, तो हमारा जो मॉइस्चर है वो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो हमारी सीपेज नहीं होगी। गाइस, ये एंटी स्किड होता है, हम इसके ऊपर फिसलेंगे नहीं, एरियाज में यूज़ कर सकते हैं। कोटा स्टोन जो होता है हमारा वो रेजिस्टेंट इनफ होता है, किसी भी क्लाइमेट में ढल जाता है, चाहे वो ड्राई हो, कोल्ड हो, हॉट हो। और जो और हमारा कोटा स्टोन होता है वो गुड रिफ्लेक्टेंट होता है हीट के लिए, तो जब हीट उसके ऊपर आएगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, और हीट रिफ्लेक्ट करेगा तो हमें उसके ऊपर वॉक थ्रू भी करना है, तो विदाउट एनी स्लीपर्स हम उसके ऊपर चल सकते हैं अच्छे से। एंड फ्रेंड्स, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का भी काम करता है, अगर हम एक किचन के अंदर जो हमारी स्लैब होती है ग्रेनाइट या मार्बल की स्लैब लगवाते हैं आजकल सारे, तो उसकी बेस के लिए हम कोटा स्टोन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे हमारे जो ग्रेनाइट को है एक अच्छा बेस मिल जाता है पकड़ बनाने के लिए। तो कई जगह पे कोटा स्टोन को एज अ बेस भी यूज़ करते हैं हमारे किचन के अंदर। एंड फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस प्लेस पे हमें कोटा स्टोन यूज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ पे अगर हमारा जो वाटर का पीएच है वो थोड़ा एसिडिक नेचर में है, तो हमें वहाँ पर कोटा स्टोन्स को नहीं यूज़ करना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे मार्बल होता है या ग्रेनाइट होता है वो एक बड़े बड़े स्लैब के साइज़ में आता है, तो उस साइज़ में हमारा कोटा स्टोन्स नहीं आता। और जो हमारा कोटा स्टोन होता है उसे रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेरी हम मेंटेन करते रह सकते हैं टाइम टू टाइम, पर ज़्यादा मेंटेनेंस ये नहीं मांगता। तो कंक्लूजन यही निकलता है गाइज कि जो हमारा कोटा स्टोन होगा वो इकोनॉमिकल होता है हमारी कॉस्टिंग में, तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, मॉल्स हैं, टावर हैं, उसके अंदर इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर के अंदर कोटा स्टोन का यूज़ होता है, बिकॉज जो इसका प्राइस होता है वो 10-50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में ये हमारे को अवेलेबल हो जाता है। अब बात ये इसकी डिज़ाइन की बात, तो इसको हम विदाउट स्पेसिंग के यूज़ कर सकते हैं, लगवा सकते हैं, और इसके अंदर दाना फिल किया जाता है। अगर हम स्पेसिंग करवा रहे हैं तो दाना फिल किया जाता है, वाइट कलर का दाना आता है, उसके अंदर आप अपनी तरीके से कलरिंग डाल सकते हैं और उसको गैप्स को फिल कर सकते हैं। जो गैप होते हैं हमारे वो स्पेसिंग कहते हैं हम उसे। अब हम इसको अलग अलग डिज़ाइन में लगा सकते हैं कि हमने अपना एक जो हमारा टुकड़ा आया था कोटा पत्थर का उसको ऐसे रख दिया, फिर दो कटिंग करके हमने साइड में रखवा दिया, फिर हमने पूरा टुकड़ा रख दिया, फिर दो कटिंग करवा के रखवा दिया। जैसे हमारी ब्रिक वर्क होती है, अलग अलग ब्रिक वर्क होती है, इंग्लिश बॉन्ड होता है, फ्लेमिश बॉन्ड होता है, वैसे ही हम इसके अंदर अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसे कि हम ब्रिक वर्क एक के ऊपर एक रखते हैं, इसी के अंदर हम कोटा पत्थर जो हम रखेंगे वो लाइन वाइज वैसे अपने अनुसार रख सकते हैं, कुछ भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर दाना फिल करवाएंगे तो अच्छा रहेगा, जब भी लगाएं स्पेसिंग दे के लगवाएं, दाना फिल करवाएं तो अच्छा रहेगा।
तीन चार पॉइंट जो मैंने आपको इसके एडवांटेज में बताए थे उसके अंदर से, जैसे एंटी स्किड होता है और एंटी हीट अब्जॉर्ब होता है, हीट अब्जॉर्ब नहीं करेगा, और एंटी मॉइस्चर होता है, ये मॉइस्चर भी नहीं लेगा। तो हमने जो अपना कोटा स्टोन लगाया है ये हमने रूफ पे लगवाया, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे जो हमारी छत होती है उसके ऊपर हमने कोटा स्टोन लगाया है। तो उसकी डिज़ाइनिंग के लिए हमने क्या किया है, हमारे पास 22x22 इंची का एक कोटा स्टोन आया था, जो पत्थर हैं इसके 22x22 इंची के हैं, तो हमने ग्राइंडर से 11x11 इंची का कट करके उसके एक ही स्टोन में हमने दो पीस कर लिए, और 11 इंची का हमने आउटलाइन दे दिया कि जो हमारी पैरापेट वॉल होगी चारों साइड उसके जो बिल्कुल जस्ट अटैच करके हम 11x11 इंची का एक आउटलाइन हम बना लेंगे विदाउट ग्रुप, विदाउट स्पेसिंग, हम स्पेसिंग नहीं देंगे उसके अंदर। एंड उसको करने के बाद हम अपना कोटा स्टोन का जो हमारे पास 22x22 इंची का जो एक स्टोन आया था उसको प्लेस करना स्टार्ट कर देंगे। अब कोटा स्टोन रखने के लिए हमें मोर्टार मिक्स जो एंड जो हमारी मोर्टार मिक्स की थिकनेस होगी वो हमें दो से ढाई इंची तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज जब हम ऊपर उसको विद द हेल्प ऑफ वुडन ब्लॉक हम उसे टैप करेंगे फिक्स करने के लिए, अगर हमारा नीचे मोर्टार मिक्स का बेस 2 से 2.5 इंच नहीं है तो ये ब्रेक कर जाएगा इजीली, क्योंकि अगर ऊपर से आप किसी भी चीज़ को फोर्स करोगे और उसके पास नीचे बेस नहीं है तो चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टोन हो वो टूटेगा ही टूटेगा। और जो इसका रेशो होगा वो 1:6 आप ले सकते हो, एक आपका सीमेंट है तो 6 आपका डस्ट होना चाहिए, प्लस सेम जैसे मैंने अपनी टाइल वाली वीडियो में आपको पॉइंट्स बताए हैं कि पहले आपको स्क्रीडिंग करवानी है जो PCC होती है, जब हम स्लैब के ऊपर कच्चा फर्श डालते हैं जिसे PCC कहते हैं 1:4:8 का, अगर हम स्लैब के ऊपर डालते हैं तो स्क्रीडिंग होती है जो हमारी 2 से 3 इंच होनी चाहिए, और जब हम ग्राउंड फ्लोर पे अपने मिट्टी के ऊपर डालते हैं जो 4 इंच का हमारा 100 mm का होता है उसका नाम हम PCC दे देते हैं। तो आफ्टर PCC हमें जो हमारा फ्लोर होना चाहिए वो सरफेस अच्छे से हमें क्लीन होना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स आप टाइल वाली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, सेम पॉइंट्स रहेंगे। हमें अपना लेवल बनाना है, गुनिया चेक करनी है कि कितना टेढ़ा जाएगा कितना सीधा आएगा, उसी हिसाब से हमारी कटिंग चलेगी, गुनिया चेक करना पड़ेगा हमें, फिर हमें लेवल लगाना पड़ेगा और स्लोप बनाना पड़ेगा। अब हम जहाँ अगर हम इसको अपने इंडस्ट्रीज होती है मॉल्स होते हैं तो वो जो स्लोप देंगे तो डेड स्लोप देंगे, अब हम इसको रूफ पे लगा रहे हैं तो जो हमें स्लोप चाहिएगा तो वो रेन वाटर पाइप के पास में चाहिएगा, तो जो रेन वाटर पाइप का जो हमने रेन वाटर पाइप हमारे दे रखे हैं उसके अंदर हमें स्लोप देना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से विद द हेल्प ऑफ वाटर लेवलिंग ट्यूब हमें स्लोप देना होगा, और स्लोप को देने के बाद हमें स्लोप देने के बाद ही गाइस PCC डलवाएं, जो स्क्रीडिंग डलती है तभी डलवाएं, ताकि जो हमारा मोर्टार मिक्स होएगा वो ऐसा ना हो कि कहीं पे हम 3 इंची डलवा रहे हैं कभी पे हम 2.5 इंची डलवा रहे हैं। अगर PCC के अंदर ही हमारा जो स्क्रीडिंग होती है उसी के अंदर स्लोप हमें अच्छे से लेवल मिल जाएगा तो जो टाइल लगवाने वाला होता है या कोटा पत्थर लगाने वाला होता है उसको हेल्प हो जाती है स्लोप प्रोवाइड करने में इजीली। डेड स्लोप भी डलवाना है तो PCC में भी डेड स्लोप डलवाएं, और अगर आपको टाइल्स में स्लोप डलवाना है किचन बाथरूम में स्लोप डलवाएं तो PCC के अंदर ही स्लोप डलवा दें, ऐसा ना करें कि PCC में डेड लेवल दे दिया और वो अपने मोर्टार मिक्स को ऊपर नीचे कर रहा है कि यहाँ पे मैं ज़्यादा डाल देता हूँ यहाँ पे मैं कम डाल देता हूँ, तो PCC में ही अच्छा रहेगा अगर हम PCC डलवा रहे हैं तभी हम स्लोप या डेड स्लोप डाल के दे दें।